हेलो गाइस, रामफल भाई की राम राम। आज आपको विजिट करा के लाएंगे एक बहुत ही रहस्यमय जगह की, पांडु पिंडारा। कुछ दिन पहले हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे, तो उनके पिंड भरवा के आने, और आज सोमवार अमावस्या है, बहुत दिन बाद आई है। आज हम आपको लेके चलेंगे पांडु पिंडारा, जो महाभारतकालीन समय में पांडवों ने अपने क्या बोलते हैं पितरों की तृप्ति हेतु, या जो जो आदमी उस जो कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई में जो जो मारे गए उनके तर्पण हेतु, उनकी मुक्ति हेतु वो तीर्थ बनाया था। आज हम उसी तीर्थ पे जा रहे हैं। चलो आपको घुमा के लाते हैं, सारे कार्यक्रम सारे अनुष्ठान आपको दिखाएंगे, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है, सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और घूमिए, वर्चुअल टूर ऑफ पांडु पिंडारा। पिंडारा से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ये भयानक वाला जाम लग गया, गाड़ी खड़ी हो गई है, आगे निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि गाड़ी को यहीं कहीं पार्क कर देंगे और यहाँ से हम करेंगे वॉकिंग। लगभग 2.5 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करके हम लोग वॉकिंग हो लिए हैं। सब लोगों ने गाड़ियाँ इधर उधर पार्क कर रखी हैं। भीसा संत पांडु पिंडारा तीर्थ का क्या है सुमेर? चलो बीड़ी तो नहीं है, बिना है घाट उतरना पड़ रहा है, कच्चे रास्ते से उतर गए हम लोग। क्या तुम जाऊ भाई? इन्होंने भी अपनी कार्रवाई पूरी कर दी और ये नहाने चले गए हैं। पता चेक के लाना अपना जी सामान है अपने आप लाए हम आप ले रहे हो गेहूँ लाए हम तो गेहूँ चावल तो लाई होगी जो का भी आटा लाए ऐसा हम कुछ नहीं ले जी। स्नान से निवृत्त हो लिए हैं, अब यहाँ पिंड भरवाएंगे, पंडित जी महाराज आगे कार्रवाई करेंगे। पंडित जी महाराज हमारे पिताजी अभी एक्सपायर हुए हैं 2 साल पहले, उनके पिंड भरवाने एक हमारे दादा हैं दादी हैं, एक पितर हमारा दुका है शेरा नाम पे, हमारी माता जी ने एक जानकारी दी थी जी इतने भर के आने चार हो गए। तो जितने पितरों का पिंड भरवाना है सबके लिए एक ये जो का लड्डू बनाया जाता है, पिंड जो का पिंड है, और एक बनाया जाता है जी भूले बिसरों का, जैसे हमारा एक पिताजी का हो गया, एक दादा का, एक दादी का, और एक शेरा नाम से जो हमारे पितर हैं, हाँ जी, और एक ये भूले बिसरों का हो गया बड़ा। अध्यक्ष श्री ब्राह्मण जी पुराज पांडव पिंडारा नाम तीर्थ स्थान है श्रुति देवी की आत्मा सुख शांति हेतु स्वर्ग की प्राप्ति हेतु बैकुंठ धाम प्राप्ति हेतु श्री हरि विष्णु भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हेतु सदगति निवारणार्थम हेतु सदगति फल प्राप्ति हेतु तिलांजलि पुष्पांजलि अर्पण।
विष्णु भगवान का ध्यान करो, विष्णु भगवान से प्रार्थना करो। हे विष्णु भगवान, मैंने अपने पितरों के निमित्त, अपने दादी दादा पिता के निमित्त और बूढ़े विष्णु के निमित्त जो मुझे ज्ञात हैं और अज्ञात हैं, उनके निमित्त मैंने पुष्पांजलि तिलांजलि पिंड दान किए हैं, वो उनको प्राप्त हो और उनका स्वर्ग में वास हो, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। ओम शांताकारं मदसेन मदमनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवृद्धानगम्यं वंदे विष्णुं भवायनं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः, प्रभु विष्णुवे नमो नमः। और ये पिंड तीर्थ में छोड़ के हमारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ, अब अपन वापसी की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बढ़िया अनुष्ठान कराया। थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? क्या? थोड़ा सा तीर्थ के बारे में बता दो, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, क्या क्या मान्यताएं हैं? यहाँ पर पांडव आए थे जी। अच्छा। और ये जो सोमवारी मौसा है, इसकी प्रतीक्षा की उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए। अच्छा। तो सोमवारी मौसा आई है, कई महीने तक बैठे रहे, तो उन्होंने श्राप दिया सोमवारी मास को। हाँ। अच्छा। भाई जा, तो साल में तीन बार चार बार भी आएगी। अच्छा। तो कई बार देख दोगे आप तो साल में तीन चार बार मौस आती है सोमवारी। अच्छा। तो उनके श्रापित श्राप के कारण ही आती है। अच्छा। तो वहाँ से सिलसिला चला था। हाँ। और पिंड दान का महत्व पिंडारा का है, और जो नारायण बलि का महत्व है वो है पेवा धाम का है। अच्छा। तो यहाँ पिंडदान करने से पितरों को सदगति प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता हमारी है। बिल्कुल। तो जी ये हमारी यात्रा पूर्ण हुई पांडु पिंडारा की। हम लोगों ने यहाँ पिंड भर दिए हैं, पितरों की शांति हेतु, उनके मोक्ष हेतु पिंड भर दिए हैं, और आपको तीर्थ का पूरा दर्शन करा दिया है, कैसे कैसे क्या सिस्टम रहता है ये दिखा दिया है। अब अपन निकलते हैं, चलिए। ये यहाँ भाइयों ने पानी का भंडारा लगाया है, और ये गिलास ही गिलास चारों तरफ। चलो सुमेर, परिक्रमा पूरी करेंगे, आप दिख तो हो गई। ये होगी परिक्रमा पूर्ण, और हमारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ यहाँ का। आहा, मिशन अकम्प्लिश। वाह वाह सुमेर, बहुत ही बढ़िया। लो जी, ये विजिट हमने पूरी कर दी है। सुमेर, ये जो टैलेंट है, ये पति पत्नी का प्रेम दिखा रहा है, पति का कच्चा लुगाई सुपाती चल रही है, और ना क्या आया है। हाँ, ना के तो इसका आदमी आया है, ये लुगाई तो खाली की बैठी, कच्चा सुखा। नया प्लान बना दिया हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का, आसी पहुंच गए हैं, और यहाँ सुमेर ने बताया एक पंजू करके है हलवाई, और उसकी दाल फ्राई भयानक फेमस है ऑल ओवर आसी। जिसको भी दाल खानी होती है वो आता है पंजू के पास। ये आ गया जी पंजू होटल। है सिटिंग का प्रोग्राम है? फिर बिना लाइट बैठ जाएंगे, ठीक है, देख लो। बुला ले, बुला ले, बुला ले, कर ले छोरे ने, एक नंबर की दाल आड़े खा ले। दाल और क्या क्या भाई साहब अपने पास? आलू मटर, आलू पालक है, भरता है, मिक्स तंदूरी रोटी है, रायता रुता भी होगा। रायता भी हो गया भाई, ऑर्डर पूरा है, बटर भी आ गया और सलाद आ गया। ये रोटी लिया है भाई, ये आ गई प्याज रोटी, ये ले प्याज रोटी पकड़। चलो शुरू करते हैं, भोजन हो गया पूरा, अब चलते हैं। आ गए बेटा वापस ग्लोबल स्पेस, घर पहुंच गए हम लोग। 6 बजे निकले थे और 12:15 बजे वापस ठिकाने के ऊपर। और यहाँ क्या मंगा रखा आपने बताओ जरा दर्शकों को, खाना कहाँ से मंगाया है? खीर और रोटी। ओके, खीर चूरमा रोटी सब्जी, हलवा भी बता रहे थे कोई शायद। चलो अभी यहाँ माल लेंगे हम लोग गिफ्ट में, हमने तो वैसे खा लिया था वहाँ। कौन सा होटल बता रहे थे हम? पंजू होटल पे दाल के साथ भरता, और हॉर्न बजाया जाए। यहाँ ये आ गया, ये खाना आ रहा है, चला। राम राम जी, नीलम जी सुनाओ। जयराम जी,